आज हम मांग की लोच आपने की द्वितीय विधि सीखेंगे। इस विधि का नाम ज्यामिति विधि, आरेखीय विधि, रेखीय विधि, चित्रीय विधि, बिंदु विधि है। तो यह विधि क्या है? इस विधि के अनुसार मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच बिंदु से नीचे का भाग तथा बिंदु से ऊपर का भाग के अनुपात की बराबर होती है। अर्थात मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच बिंदु से नीचे का भाग बटे बिंदु से ऊपर का भाग। देखिएगा यह विधि आरेखीय विधि है, चित्रीय विधि। इसमें चित्र के से ही हम मांग की लोच निकालना सीखते हैं। तो इसमें पहले आपका एक चित्र बनेगा और उसके किसी भी बिंदु पर मांग की लोच हम किस प्रकार निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये हमारा चित्र है मांग वक्र, ये मैंने एक चित्र बना दिया। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, इधर को हमने कीमत पी ले ली और यहाँ को मांग मात्रा क्यू डी। ये आपका वक्र जो हमने खींचा मांग वक्र। अब ये क्या कह रहा, इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर, जैसे मैं ए बिंदु पर, और ये जो एक्स अक्ष में मिल रहा है इसे बी कह देंगे और इस बिंदु को कह देंगे सी। तो ए बिंदु ए पर लोच, बिंदु ए पर लोच क्या सूत्र था? देखिए फिर कैसे लिखा जा रहा है। पहले खींची जा रही है रेखा ए से नीचे का भाग, ए से नीचे का भाग बटे ए से ऊपर का भाग। अब वही लोच को ईडी कहते हैं, ईडी बराबर ए से नीचे का भाग। देखिए यहाँ चित्र में ए से नीचे का भाग, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आ गया ए बी बटे ए सी। अब हम ए बी और ए सी को माप करें, ए बी वह ए सी की माप कर लोच को ज्ञात कर सकते हैं, लोच को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे मापेंगे? सपोज करो मैंने ये स्केल से माप दी, ये दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये दूरी मैंने नाप दी 5। यहाँ से यहाँ ए से बी की दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, ए से सी की दूरी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो लोच ज्यामिति विधि द्वारा आ गई 4/5, ये बराबर कितना आ गया 0.8। 0.8 का अर्थ हुआ लोच 1 से कम, इसका अर्थ हुआ यह एक बेलोचदार लोच को व्यक्त कर रहा है। देखो हमने केवल चित्र द्वारा यहाँ पर लोच को निकालना सीखा। तो यह विधि कहलाती है चित्रीय विधि। अब देखिए इस विधि द्वारा मैं पांचों प्रकार की लोच आपको बताऊंगा, पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार लोचें किस प्रकार निकलेंगी ये आप यहाँ पर सीखेंगे। ये चित्र पहले हम बना लेते हैं और चित्र के अनुसार हम इन लोचों को खींचना सीखते हैं। ये इधर को बी और ये हमारा आ गया क्यू डी और ये मेरा वक्र बना, मांग वक्र मैंने खींच लिया बनाना, ये हमारा मांग वक्र। अब देखिए इसका मध्य बिंदु यह है बी सी, सी इसका हुआ मध्य बिंदु, यह ऊपर का बिंदु ए, ये मध्य बिंदु से ऊपर बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब पांचों बिंदुओं को आप देखिए और सूत्र देखिएगा। सूत्र क्या है? किसी बिंदु पर मांग की लोच, किसी बिंदु पर मांग की लोच बराबर बिंदु से नीचे का भाग, बिंदु से नीचे का भाग बटे बिंदु से ऊपर का भाग। देखिएगा सीखने की चीज है, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी। पहले मैं ए बिंदु पर लिखा, अब मैं बिंदु की जगह इसकी जगह लिख देते हैं। जैसे मैंने एक्स था तो यहाँ पर ए बिंदु ए पर, पहला आया बिंदु ए पर, बिंदु ए पर मांग की लोच क्या हुआ? देखिए अब ए से नीचे का भाग, देखिए ए से नीचे का भाग ए बट्टे ए से ऊपर का भाग, ए से ए की दूरी कितनी हो गई 0 और किसी
भिन्न में यदि नीचे हर का मान शून्य होता है तो उसका मान अनंत होता है, अर्थात बिंदु ए पर लोच होगी आपकी अनंत। अब मैं आता हूं बी पर, बिंदु बी पर लोच, वही सूत्र में मान रखिए, बराबर लाइन खींचे, बी से नीचे का भाग कितनी दूरी हुई, बी से नीचे बिंदु की बी, बी से ऊपर की दूरी बी। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है बी ई दूरी क्या है, अधिक, ये दूरी अधिक है और ये दूरी क्या है कम, और ये नियम है भिन्न का साधारण नियम, यदि अंश का मान अधिक होता है और हर का मान कम होता है तो उस भिन्न का मान एक से अधिक होता है। सपोज करिए जैसे मैं मान लेता हूँ 8 है ये 5 है, तो इसको हम देंगे भागा तो कितना आ रहा है 1.6, 1.6 क्या है एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब हुआ अत्यधिक लोचदार, इस प्रकार की लोच होगी है अत्यधिक लोचदार, इस बिंदु पर बी बिंदु पर, ए बिंदु पर तो थी आपकी अनंत पूर्णतः लोचदार और बी बिंदु पर एक से अधिक। अब मैं आ जाता हूँ बिंदु सी पर, बी की जगह आ जाइए सी, सी पर लोच, सी से नीचे का भाग बट्टे सी से ऊपर का भाग, फिर से देखिए सी से नीचे का भाग सी ई बट्टे सी से ऊपर का भाग सी ए। अब सी बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, मध्य का मतलब इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट, अर्थात सी बराबर क्या गया सी ए, तो ये लोच होगी आपकी एक के बराबर, एक का मतलब हुआ लोचदार। अब मैं आ जाता हूं बिंदु डी पर, अब मैं आ जाता हूं बिंदु डी पर लोच, कैसे दिखाएंगे, डी से नीचे का भाग, डी से नीचे का भाग बट्टे डी से ऊपर का, देखो डी से नीचे का भाग क्या है डी और डी से ऊपर का भाग डी ए, ध्यान से देखिए ये डी क्या है कम है, ये दूरी कम है और नीचे की दूरी क्या है अधिक, और जब भिन्न में हर का मान अधिक होता है तो भिन्न का मान एक से कम होता है। इसको भी एक उदाहरण से देख लीजिए, जैसे ये 5 है और ये 8 है, अब देखिए 8 का भाग 5 में दीजिए, छक्का 48, तो ये हो गया आपका 0.6, 0.6 क्या है एक से कम, एक से कम का मतलब हुआ यहाँ पर लोच आपकी लोचदार लोच होगी। अंतिम अब बिंदु ई पर लोच, बिंदु ई पर लोच, तो अब हम इसे देखते हैं ई पर लोच, ई से नीचे का भाग, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं, ई पर लोच बराबर ई से नीचे का भाग बट्टे ई से ऊपर, अब देखिए ई से ए की दूरी जीरो, ई से ए की दूरी जीरो और ई से ऊपर का भाग ई है, जब किसी भिन्न का अंश शून्य हो जाता तो उस भिन्न का मान शून्य हो जाता, शून्य का मान हुआ पूर्णतः बेलोचदार, कैसी लोच होगी है पूर्णतः बेलोचदार, और ये पूर्णतः बेलोचदार का मान होता है शून्य। तो ये हमने 5 प्रकार की लोचें ज्यामिति विधि से बनाना सीखा, लेकिन देखिए मैंने एक एक लोच आपको सिखाया, बिंदु ए पर फिर से देखिए, इसका सूत्र है बिंदु से नीचे का भाग बट्टे बिंदु से ऊपर, तो ए पर ए अपॉन शून्य इक्वल टू हो गया अनंत, अनंत का मतलब हो गया आपकी लोच पूर्णतः लोचदार होगी। फिर देखिए बी पर लोच, फिर से समझिए, बी से नीचे का भाग बी बट्टे बी ए, ये हो गया एक से अधिक, क्यों अधिक हुआ, क्योंकि बी दूरी है अधिक और बी दूरी है कम। सी पर मध्य बिंदु, सी से नीचे का भाग सी बट्टे सी ए बराबर है तो इक्वल टू एक, डी बिंदु पर डी से नीचे का भाग डी ई बट्टे डी ए, देखिए डी है यहाँ पर कम डी ए है अधिक तो इस भिन्न का मान क्या होगा एक से कम का मतलब हुआ बेलोचदार लोच। अंतिम देखिए बिंदु ई पर, ई से नीचे का भाग ई से ई की दूरी शून्य और ई से ए की दूरी ये, इसका मान आ गया जीरो पूर्णतः बेलोचदार। तो हमने 5 प्रकार की लोचें ज्यामिति विधि से बनाना सीख लिया है, इससे अगले वीडियो में हम अंतिम विधि को सीखेंगे।